नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नेशनल टुडे 24 में। और इस वक्त की खबर फरखाबाद से बताई जा रही है। जी हां, इस वक्त की खबर फरखाबाद से आ रही है। जिलाधिकारी ने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का डीएम ने फीता काटकर उद्घाटन किया। जिला अस्पताल में PICU वार्ड का किया निरीक्षण। साथ ही साथ आपको बता दें, निरीक्षण में बच्चों के भर्ती होने के बेड ऑक्सीजन प्लांट से पाइपलाइन बेडों तक लगाए जाने का बारीकी से जायजा लिया। कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर जिला प्रशासन कर रहा है पूरी तैयारी। शहर क्षेत्र के आवास विकास स्थित जिला अस्पताल लोहिया का मामला है। आपको बता दें, जिलाधिकारी ने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का डीएम ने फीता काटकर उद्घाटन किया। यहाँ लोहिया गणेश छठ किया है, कैसी क्या है? देखिए, आज टीम के अल्पाइन की ओर से जो ऑक्सीजन प्लांट लगाया है, जो कि हमारे 120 बेड में ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए उसका आज उद्घाटन किया गया है। और हमारा प्लांट काम करने लगा है। अभी हम लोगों ने जो 20 बेड हमने तैयार किए हैं बच्चों के लिए, अभी शुरू किया है। तो प्लांट हमारा सही ढंग से काम करने लगा है। अगर भाई को कोई बीमारी की बात आती है तो यहाँ पर ट्रीटमेंट लेने में। पीकू वार्ड 40 बेड का है, 20 बेड पे अभी सप्लाई चालू हुई है। 20 बेड का है और 100 बेड का हमारा सर। पीकू वार्ड पर दो डॉक्टर साहब कई दिनों से नहीं आ रहे हैं। देखो,